स्टूडेंट, इसके पहले मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया था, HTML का हेडिंग प्रोग्राम। और आज हम स्टार्ट करेंगे कि हमें अगर बैकग्राउंड में अगर इमेज डिस्प्ले करानी हो अपनी वेबसाइट पे तो क्या करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। अगर आप ये सारे प्रोग्राम्स करते चलेंगे ना, तो एक दिन अपनी वेबसाइट भी खुद डेवलप कर देंगे। ठीक है, तो सारे टेक्स्ट को पढ़ते चलिए, वन बाय वन मैं आप सबको बताती रहूँगी। देखिए, जैसे ये है, ये आपको आउटपुट दिख रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा वेब पेज डिस्प्ले करें जिसमें एक पिक्चर बन गया है, बैकग्राउंड में क्या है, एक पिक्चर बन गया है। तो देखते हैं आज बैकग्राउंड में अगर हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपनी पिक्चर को, तो कैसे क्या हम अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो स्टार्ट करें, देखते हैं। तो पहला क्या होगा, मैंने बताया था रूट टैग होता है। आप किसी भी भाषा में लिखें, केस सेंसिटिव नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, क्योंकि इसको चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल लेटर में प्रोग्राम बनाओ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहला रूट हमने क्या ले लिया, रूट टैग ले लिया। सबसे पहले शुरुआत किससे होती है, HTML, बिकॉज HTML इज़ अ रूट टैग। इसके बिना शुरुआत ही नहीं होती, रूट एक जड़ होती है। जब पेड़ होता है तो पेड़ की एक जड़ होती है, जड़ के बिना कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। उसी तरह से HTML एक रूट टैग है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। HTML, फिर हेड आया, हेडिंग टैग आया। हेड के अंदर क्या जाता है, टाइटल जाता है, तो टाइटल लिख दिया। टाइटल के बाद हमने क्या लिख दिया, टाइटल में क्या लिखाना है हमें अपने टाइटल बार में, वेलकम टू HTML। देखिए, इधर आइए, इधर देखिए जरा, देखिए आपका टाइटल बार में क्या लिख कर आ रहा है, देखिए जरा यहाँ पे, ये टाइटल बार है आपका, वेलकम टू HTML लिख कर आ रहा है, यही टाइटल बार है। यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले कराना है वो टाइटल के अंदर देते हैं। आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले कराना होता है वो टाइटल के अंदर देते हैं। यहाँ पे हमने दिया वेलकम टू HTML, देखिए टाइटल के अंदर हमने क्या दिया था, वेलकम टू HTML। यहाँ पे जो भी लिख दोगे ना, राम श्याम सीता गीता जो भी लिख दोगे, वो टाइटल बार के अंदर लिखकर आ जाएगा। टाइटल दे दिया, टाइटल को बंद कर दिया। जब टाइटल का काम खत्म, तो हेड का भी काम खत्म। ठीक, अब बॉडी खुलती है। अब बॉडी खुली तो हमने क्या कहा था कि जो वेबसाइट में जो डिस्प्ले कराना होता है वही वेब बॉडी के अंदर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या डिस्प्ले करा रहे हैं, हमारे बैकग्राउंड में हम एक पिक्चर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो इस पिक्चर को डिस्प्ले कराने के लिए हम बॉडी के अंदर क्या देंगे, देखते हैं, वो भी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज हम डिस्प्ले करा रहे हैं। तो बॉडी खोली, बॉडी में लिखा हमने बैकग्राउंड, बॉडी में क्या लिखा, बैकग्राउंड, क्योंकि हम बैकग्राउंड इमेज डिस्प्ले करा रहे हैं। और इक्वल, अब यहाँ पे जो देखा है ना क्लास, ये क्या है कि आपके कंप्यूटर में जो भी इमेज को डिस्प्ले कराना चाहते हो, जो भी कंप्यूटर में इमेज पड़ी होगी उसका क्या है, ये एड्रेस है, मतलब उसका जो नेम है, नेम है आपका जो इमेज है उसका, जो इमेज का नेम है। ठीक है, नेम जैसे आप लिखते हो ना, आपका नेम, जैसे आपने कोई भी आपके कंप्यूटर या किसी में सिस्टम पे इमेज पड़ी होगी, तो उसका नाम आपने लिख दिया। मान लो मैंने मेरे सिस्टम पे पड़ी शुभम नाम से इमेज, तो मैंने लिखा है शुभम, उस इमेज का शुभम नाम है, और मैंने वही वाली इमेज को यहाँ डिस्प्ले कराना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरी इमेज का नाम क्या हो जाएगा, शुभम डॉट JPG। क्या होता है बेटा, जितनी भी फाइल्स जो इमेजेस होती हैं वो डॉट JPG एक्सटेंशन में होती है। ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन कितना होता है, क्या होता है, JPG। ठीक है, JPG मतलब क्या होता है, JPG एक एक्सटेंशन होता है जो कि किसके द्वारा बनाया गया, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप था, उन्होंने अपना एक इमेज का एक्सटेंशन दिया था कि इस एक्सटेंशन में जो भी इमेजेस होंगी वो सेव होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इमेज का नेम डॉट JPG, जो आपका नेम होता है आपकी इमेज का, वो यहाँ पे दिया जाता है, किसमें, कोटेशन के अंदर दिया जाता है, और फिर इसको बॉडी को बंद कर दिया। ठीक है, अब ये हेडिंग टैग, अगर हम हेडिंग डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ये आपका अपने अकॉर्डिंग है, जो भी डिस्प्ले, देखिए अगर हमने हेडिंग का दे दिया, हेडिंग का यूज़ किया, हेडिंग में हमने क्या लिख दिया, वेब पेज विथ बैकग्राउंड इमेज, हम पहले पढ़ा चुके हैं हेडिंग, और हेडिंग बंद कर दी। तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आउटपुट आ रहा है, देखिए हेडिंग का यूज़ किया था हमने, वेब पेज विथ बैकग्राउंड इमेज, देखो तो ये हेडिंग भी लिख कर आ रही है। ये आपको, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं तो दे दीजिए, वरना हम बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ बैकग्राउंड इमेज की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने हेडिंग दे रखी है, तो हेडिंग दी और हेडिंग बंद कर दी। अब बेटा क्या हुआ, हमें जो जो डिस्प्ले कराना था काम खत्म हो गया, हमें इमेज डिस्प्ले करानी थी वो भी लिख दिया, इन्हें हेडिंग करानी थी तो हेडिंग भी लिख दी। अब बॉडी का काम खत्म हो गया तो बॉडी बंद कर दी। जब बॉडी बंद हो गई तो क्लास HTML का काम खत्म हो गया, तो HTML भी बंद हो गई। तो अब ये प्रोग्राम बन गया, आ गया प्रोग्राम का आउटपुट क्या डिस्प्ले हुआ, देखिए हमारी जो इमेज थी, इमेज ये थी, ये इमेज बनकर ये आ गई, और हेडिंग टैग में जो दिया था वो आ गया, और टाइटल बार में क्या दिया था, वेलकम टू HTML। ठीक है क्लास, तो आज आपने पढ़ा क्या, बैकग्राउंड में कैसे इमेज को डिस्प्ले कराएंगे। तो ये प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट है जो आपने पढ़ लिया। ठीक है स्टूडेंट, आज हम एक और प्रोग्राम देख लेते हैं, देखते हैं क्या।
अगर हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो, अगर हमें बैकग्राउंड हमारा लाल है तो हमें पीला करना हो, हरा करना हो, कोई भी अपना बैकग्राउंड चेंज। वैसे तो बैकग्राउंड क्या होता है, बाई डिफॉल्ट वाइट होता है ना बैकग्राउंड, कोई भी वेब पेज होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। उस वेब कलर को हमें चेंज करना हो, बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज करना हो, तो हम अपने अनुसार कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट चलता है, शुरुआत वहीं से होती है। HTML हुआ, हेड हुआ, टाइटल हुआ। टाइटल में हमने फिर से वेलकम टू HTML दिया तो हमारा टाइटल बार में वेलकम टू HTML आ रहा। टाइटल का काम खत्म, हेड का काम खत्म, बंद कर दिया। बॉडी, अब जो काम जो डिस्प्ले कराना होता है वो हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर देने करते हैं। क्या हमें वेब पेज का कलर कैसे बनाना है, मान लो हरा रंग बनाना है, ग्रीन कलर बनाना है, तो बॉडी BG कलर क्या देंगे, बॉडी BG कलर। BG मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड कलर। बॉडी टैग, टैग कौन सा है, बॉडी, और BG कलर क्या है, इसका एट्रीब्यूट है। तो बॉडी BG कलर मतलब बैकग्राउंड कलर इक्वल जो कलर देना है, ग्रीन, लाल, पीला, हरा, जो देना चाहते हैं वो लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे ब्लू, यहाँ पे लिख सकते हैं नेवी ब्लू, यहाँ पे लिख देंगे येल्लो। तो जो कलर देना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इन्होंने ग्रीन लिख दिया, इसको बंद कर दिया। फिर इसके बाद सैम्पल टेक्स्ट, इन्होंने नॉर्मल सा एक टेक्स्ट लिख दिया है, आपको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आप लिखोगे ना वो यहाँ डिस्प्ले होकर आ जाता है। देखिए ना, सैम्पल टेक्स्ट लिख कर आ रहा है यहाँ पे, सैम्पल टेक्स्ट आपके अनुसार है, देना है दो, ना देना है ना दो, हम तो यहाँ बैकग्राउंड कलर की बात कर रहे थे। तो बॉडी का काम खत्म हो गया, बॉडी बंद कर दी और HTML बंद कर दिया। ठीक है, जब इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए जरा, यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड कलर था, वेब पेज का जो कलर था वो कैसा हो गया, वाइट से कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ये दो आज के प्रोग्राम आज के ख़त्म होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।